कब लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, जानिए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और स्वागत है आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म में ग्रहणों का बहुत महत्व होता है, चूंकि इसका प्रभाव काफी ज्यादा देश विदेशों में देखा गया है और देखने को भी मिलता है। बता दें कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितम्बर को लगा था। इस अंतिम चंद्र ग्रहण का आरंभ सुबह के 6:11 पर हो गया था। पूर्ण रूप यानी कि पीक पर ये 8:14 पर हो गया था। इसका समापन सुबह के 10:17 पर हुआ था। बात करते हैं अब सूर्य ग्रहण की। खगोलीय घटनाओं से संबंधित सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा चर्चित है। सूर्य ग्रहण को देख पाना इतना ज्यादा दुर्लभ है कि दुनिया भर के लोगों को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण हमेशा ही अमावस्या तिथि को लगता है। सूर्य ग्रहण लगने का ये कारण है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच से चंद्रमा गुजरता है तो कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगा था। ये सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण था, जो कि अमेरिका और कनाडा के ऊपर से गुजरते हुए पूरे उत्तरी अमेरिका में देखा गया था। लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आया था। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। इस दिन सर्व पितृ अमावस्या है। ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात के 9:13 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति देर रात 3:17 पर हो जाएगी। बता दें कि इस सूर्य ग्रहण की अवधि के लगभग 6:04 तक की होगी, चूंकि ये ग्रहण रात के समय में लगेगा इसलिए ये भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन भारत के अलावा ये ग्रह दूसरी जगहों पर देखा जा सकेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में इसे दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, चिली, पेरू, होनोलुलु, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, फिजी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में देखा जा सकेगा। ये सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा, जिससे कि सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा। इस दौरान आसमान में एक आग की रिंग दिखाई देगी। आपको बता दें कि साल 2026 तक लगने वाला कोई भी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, इसलिए इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसके कुछ घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। ये सूतक काल ग्रहण के समापन के साथ ही खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, तो वही सूर्य ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू होता है। इस लिहाज से साल का अंतिम सूर्य ग्रहण जो कि 2 अक्टूबर को लगने वाला है, उसका सूतक काल सुबह 9:13 पर शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे में सूतक काल माना नहीं जाएगा।